नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 20 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग जो है शेयर कर दें, साथ ही साथ लाइक कर दें। और दोस्तों, जैसा कि मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान आपसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी करती हूँ, तो कोशिश क्या करिए आप लोग उसका आंसर भी दिया करें। बहुत से लोग आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके आंसर को देख करके। ठीक है, देखिए कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा प्रॉपर आप लोग को देखती रहती हूँ कि कौन प्रॉपर आंसर कर रहा है, कौन कितना एक्टिव है। तो कोशिश क्या करिए आप सभी लोग आंसर देने का। अगर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो कोशिश करिए एक का ही आंसर दीजिए, लेकिन दीजिए, ठीक है, उससे आपको ही फायदा होगा। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जो कि सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, किससे रिलेटेड? इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, हम बात करेंगे इस इंडेक्स में क्या महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके पीटी के लिए बल्कि यानी कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये सारे जो इसमें बिंदु दे रहेंगे, जो हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे, उसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया है दोस्तों, वो किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, देश में जो है 2015, 2016 और साथ ही साथ वहां से लेकर के 2019 से लेकर के 2021 के बीच का बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या देखिए घटी है। पहले कितनी थी, अगर हम बात करें 2015-16 के दौरान, ये जो बहुआयामी गरीबी में रहने वालों की संख्या थी वो 24.85% थी, जो कि 2019-21 में गिर करके कितनी हो गई दोस्तों, 14.96% हो गई। तो लगभग हमें 10% की गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन 5 वर्षों के दौरान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपसे देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है, अगर आपका मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें कह देगा गिरावट नहीं आई है, या फिर यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर देगा, गिरावट न लिख करके लिख देगा कि बढ़ोतरी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, ये बात कही गई किसमें, जो नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया इंडेक्स है, इसी में ये बताया गया क्या इंडेक्स है, राष्ट्रीय बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गरीबी सूचकांक। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात की गई है, तो हम एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है दोस्तों, ये देखा जाए ये जो किस आधार पे जो है, तो ये राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2019-21 के बीच में जो है एक रिपोर्ट ली गई थी। ठीक है, उसी आधार पे भारत की जो है बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाया गया है। तो इस सर्वेक्षण के द्वारा यानी कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, उसके द्वारा ये डेटा इकट्ठा किया गया था और उसी में ये बताया गया है कि गरीबी के क्षेत्र में भारत ने प्रगति किया, यानी कि गरीबी को कम करने में, ध्यान रखिएगा, गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। और इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनका नाम है VPR सुब्रमण्यम, उन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें की कि इस अवधि के दौरान लगभग कितने लोग गरीबी से उभरे हैं दोस्तों। तो अगर हम इसमें संख्या में देखें तो 13,50,00,000 लोग जो है इस दौरान, यानी कि ये तो 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच में लगभग 13,50,00,000 जो है वो बहुआयामी गरीबी से उतरे हैं। ठीक है, उभरे हैं कह सकते हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो है कि जो इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जो है कितने प्रतिशत से घट करके कितना हो गई है, तो बहुत तेजी से वहां पे गरीबी कम हुई है, 32.59% से तेजी से घट करके 19.28% हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे ज्यादा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है गिरावट दर्ज की गई है गरीबी की संख्या में, गरीबों की, तो उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, यूपी में जो है सबसे अधिक गरीबों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे कितना दर्ज किया गया है, संख्या 13.3 करोड़, ठीक है, 43 लाख दर्ज किया गया। और उसके बाद दूसरे स्थान पे बिहार आता है, फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है गरीबी को कम करने में। ठीक है,
अगर हम ओवरऑल देखें देखें थर्ड यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और जो है 8 यूटीज हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनको टोटल संख्या कितनी हो गई, 28 राज्यों के शासित प्रदेशों और साथ ही साथ दोस्तों 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करता है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अधिक जो कमी आई है बहुआयामी गरीबी में, वो सबसे अधिक देखिए उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। तो दोस्तों ये था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किसके सर्वेक्षण के आधार पे, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ईयर क्या था दोस्तों, 2015 से लेकर के 16 और 2019 से लेकर के 21, इन 5 साल के दौरान गरीबी, ठीक है, गरीबी से उभरने में कितने लोग उभरे हैं गरीबी से, या फिर क्या जो है परिवर्तन आया है, कम हुई है गरीबी या फिर गरीबी बढ़ी है, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में की गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पे भी हाल ही में देखा जाए तो नीति आयोग ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी वाणिज्य की तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स फ्रेमवर्क जारी किया है, ठीक है, किसको, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ठीक है, सम्मेलन से, कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं दोस्तों अमित शाह, उन्होंने नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा ये जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह की उपस्थिति में देश के विभिन्न भागों में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 1,44,000 किलोग्राम से अधिक जो है मादक पदार्थ नष्ट किए गए। ध्यान रखिएगा इतनी बड़ी संख्या में जो है, इतने ज्यादा क्वांटिटी में मादक पदार्थ जो है, नशीले पदार्थ है, उनको नष्ट किया गया है, ठीक है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की बात करें तो ये सभी राज्यों के जो मादक पदार्थ निरोध कार्यबल हैं उनके साथ समन्वय में एक कार्यवाही कर रहा है, ठीक है। सरकार ने भारत को मादक पदार्थों से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई, कि मतलब कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मादक पदार्थों से देश को मुक्त करने के लिए हर वो प्रयास किया जाएगा जिससे कि भारत जो है वो मादक पदार्थों से मुक्त हो सके। तो हर एक तरह से प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा हर एक स्तर पे, ठीक है। यहाँ पे हम नोट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए जो इसी के साथ हम बात करते हैं, जो अभी हाल ही में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों। अगर अभी तक देखा जाए जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है दोस्तों, वो अभी तक रोम इटली में, क्योंकि FAO यानी कि फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो कहाँ पे है, वो रोम इटली में है, और वहीं पे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये जो है इटली से बाहर, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, पहली बार ऐसा किया जाए, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है कि भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है, SCO। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि अभी हाल ही में SCO का नया मेंबर बना है, कौन सा देश जो है SCO का नया मेंबर बना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगला है ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, ढाका में। वहीं ध्यान रखिएगा इस साल के अंत में यानी कि दिसंबर में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन होने जा रहा है, कहाँ पे, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजन किया जाएगा, ठीक है, वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि चीन और किस देश ने संयुक्त सेना अभ्यास नॉर्दर्न इंटरसेप्शन, ठीक है, 2023 का आयोजन किया है या फिर आयोजित किया। तो ये नॉर्दर्न इंटरसेप्शन जो है कि एक संयुक्त सेना अभ्यास है जिसमें चीन है और साथ ही साथ कौन सा देश है दोस्तों, ये है रूस, ठीक है। तो चीनी और रूसी नौसेना, ध्यान रखिएगा नौसेना और वायुसेना,
इनके बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है नॉर्दर्न इंटरजेक्शन, और इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो जापान सागर के मध्य क्षेत्र में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा नॉर्दर्न इंटरजेक्शन ये चीनी वायुसेना और ठीक है चीनी और रूसी जो है नौसेना और वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया है। इसका जो आयोजन है, इस अभ्यास का जो आयोजन किया गया है वो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नॉर्दर्न थिएटर कमांड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या था दोस्तों इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का? तो देखिए किसी भी अभ्यास का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, जिन देशों के बीच में ये अभ्यास होता है उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना, ठीक है, इसके लिए और साथ ही साथ रणनीतिक सहयोग जो है उसके स्तर को बढ़ाना। तो ये भी देखा जाए, ये भी उद्देश्य सेम ही है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना और साथ ही साथ क्षेत्रीय शांति यानी कि जिस क्षेत्र में ये लोग बिलोंग करते हैं वहां पे शांति बनी रहे, इसके लिए संयुक्त रूप से रक्षा करने की क्षमता को मजबूत करना यानी कि शांति को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए उस क्षेत्र की शांति के लिए, ठीक है, अपनी क्षमता को मजबूत करना, ये बेसिकली इस अभ्यास का उद्देश्य देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे? मंगोलिया की राजधानी उलंबटोर में हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है? नोमेडिक एलिफेंट। ठीक है, तो नोमेडिक एलिफेंट जिसका आयोजन, ध्यान रखिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये 15वां संस्करण था। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? तो उलंबटोर यानी कि जो मंगोलिया की राजधानी है। वही आईएनएस सुनैना, ठीक है, आईएनएस सुनैना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए केन्या का दौरा किया है। ठीक है, अगला है 20 देशों के सैन्य दलों ने बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023 कहां पे आयोजित किया दोस्तों? ये भी मंगोलिया में था। ध्यान रखिएगा ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट, जिसका आयोजन जो है मंगोलिया ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते? देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इसके, ठीक है, लोगों के बारे में बात किया था, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप जिसका समापन हो गया है और इसमें जो है भारत ने 27 पदक स्वर्ण पदक जीते और इस पदक के साथ भारत जो है तीसरे स्थान पे। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है जिसमें जो भारतीय एथलेटिक्स ने कितने पदक जीते हैं? कुल 27 पदक जीते हैं जिसमें से, माफ करिएगा मैंने 27 स्वर्ण पदक बोल दिया था, जिसमें से 27 में से देखा जाए 6 जो है वो स्वर्ण पदक है, 12 रजत यानी कि सिल्वर मेडल है और 9 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है यानी कि कांस्य पदक है। अगर हम बात करें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये 12 से लेकर के 16 जुलाई के बीच में हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, और थाईलैंड के जो बैंकॉक के जो है सुफास चलासाई नेशनल स्टेडियम है वहां पे इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें कि पहले शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, तो 37 पदक के साथ, ठीक है, पदक तालिका में 37 पदक के साथ जो है जापान वो पहले स्थान पे है। वही देखा जाए 22 पदक के साथ, ठीक है, और चीन जो है वो, ध्यान रखिएगा भारत और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझसे, मैंने आपसे ये बता दिया था भारत तीसरे स्थान पे, ध्यान रखिएगा भारत जो है वो दूसरे स्थान पे, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि भारत ने 27 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो भारत जो है दूसरे स्थान पे और चीन जो है 22 मेडल के साथ क्या है? तीसरे स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 22 मेडल के साथ तीसरे स्थान पे। ठीक है, और भारत की बात करें दोस्तों तो भारत जो है वो 27 मेडल के साथ किसरे स्थान पे? दूसरे स्थान पे। ठीक है, और पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? जापान है। यहाँ पे भारत के कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता? हमने देखा कि 6 प्लेयर थे जिनका नाम है ज्योति यारजी, पारुल चौधरी, ठीक है, तजिंदर पाल सिंह तूर, अब्दुल्ला अबुबकर, ठीक है, अजय कुमार सरोज और मिश्रित रेली जो है इन्होंने टीम में स्वर्ण पदक जीता है। और जैसे कि आपको पता है हनुमान जी को, जो भगवान हनुमान है उन्होंने, उनको जो है शुभंकर के रूप में बनाया गया था, ठीक है, इस्तेमाल किया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हनुमान जी की, ठीक है, प्रतिमा थी जिसको एज ए शुभंकर के रूप में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है उसका, ठीक है, ये मास्कट था या शुभंकर था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अन्य भी, ठीक है, करंट अफेयर जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे कि इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है, किसने जीता है? डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। वही बात करें चीन ने
दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है क्या? सुधीरमन कप। सुधीरमन कप किसने जीता है? चीन ने जीता है। किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके। ठीक है, अगर हम बात करें विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो अगला देखें यहां पे, ठीक है, अगला है दोस्तों की विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है चेक गणराज्य की मार्केट्रा वांद्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और जैसा कि मैं आपसे रोज रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि जब भी मैं क्वेश्चन आंसर के दौरान जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ उसका भी आंसर कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बहुत से लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान रखिएगा, आप ही लोग मेरी एनर्जी है। ठीक है, आप लोग का जो रिस्पॉन्स रहता है उसी से मुझे एनर्जी मिलती है। तो कोशिश क्या करिए, आप लोग अपने पूरे दिन का थोड़ा सा क्षण जो है कुछ ही सेकंड मुझे अपना एक तरीके से कमेंट और लाइक सेशन के दौरान देंगे तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा एनर्जी देगी। ठीक है, चलिए आते हैं इसी के साथ सेशन में। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस शहर में बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक की ये पहली विदेश मंत्रियों की बैठक थी, इसलिए आपसे एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। और ये की गई है दोस्तों बैंकॉक में, यानी कि थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। ठीक है, तो बिम्स्टेक की जो पहली विदेश मंत्रियों की बैठक थी, यानी कि जो बिम्स्टेक कंट्री के जो बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक हुई, कहां पे हुई दोस्तों? ये पहली बार हुई है बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से इस बैठक में कौन उपस्थित था दोस्तों? तो जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी उपस्थित थे। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि बैंकॉक में अभी हाल ही में 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता बैंकॉक के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने किया था। ठीक है, सह अध्यक्षता किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक थी। इस बैठक के दौरान देखा जाए भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें बिम्स्टेक दोस्तों, बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था, ध्यान रखिएगा 1977 में हुआ था। ठीक है, किस डिक्लेरेशन के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से मेंबर हैं तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ध्यान रखिएगा दो कंट्रीज जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और अगर आपसे एग्जाम में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ दे तो ध्यान रखिएगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आइए इसी के साथ साथ कुछ और भी सम्मेलन की बात कर लेते हैं, जैसे कि पहली बार भौतिक, ठीक है, SCO स्टार्टअप फोरम की जो मेजबानी की गई है कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है किसने? जर्मनी ने। जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है दोस्तों वहां पे हुआ था और इसकी मेजबानी जो की गई है वो जर्मनी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर रहा है? तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और ये जो परियोजनाएं हैं इन परियोजनाओं को ठीक है केंद्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय लागू करता है। ठीक है, ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इन उपलब्धि से ये जो उपलब्धि मिली है जियो टैगिंग में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो इससे क्या होगा? जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को जल्दी स्वीकृति मिलेगी सरकार की तरफ से, साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जो है समय पर, ठीक है, इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है वित्तीय मदद जारी करेगा, जिससे कि क्या हो सकेगा, जो जम्मू कश्मीर में जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग है उनका तेजी से विकास हो सकेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर को औद्योगिक क्षेत्र और आम सुविधा केंद्र के विकास के लिए लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 10 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो मंत्रालय है उसने 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दिया है जम्मू कश्मीर के को औद्योगिक क्षेत्र और आम सुविधा के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर रहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वीर सावरकर, डायरेक्ट तो पहली बात आपसे यही से प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न से ही प्रश्न बन जाएगा कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ये पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है ये, और इसी का एक नया एकीकृत टर्मिनल भवन बना है जिसका उद्घाटन किया गया है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वर्चुअल रूप से इन्होंने किया है यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके इस नए टर्मिनल के बनने से क्या होगा, तो ये जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें इस नए टर्मिनल का, तो ये नए टर्मिनल भवन का 40,800 वर्ग क्षेत्रफल में ये बनाया गया है। ठीक है, और एयरपोर्ट टर्मिनल का वास्तु डिजाइन जो है वो शंख के आकार का है, और शंख जो कि समुद्र और स्थल दोनों को दर्शाता है। ठीक है, नए भवन में प्राकृतिक प्रकाश की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डा है ये अंडमान निकोबार में है, और इसके नेट टर्मिनल का जो है तय टर्मिनल भवन का जो उद्घाटन किया गया वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो प्रश्न आएगा दोस्तों वो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि इस हवाई अड्डा, तो एक तरफ कुछ हवाई अड्डे का किसी राज्य का हवाई अड्डा दे देगा और एक तरफ पूरा राज्य का नाम, और मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही पीसीएस में पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस आईआईटी के प्रोफेसर ने स्वच्छ जल नवाचार के लिए एनी पुरस्कार जीता है। तो स्वच्छ जल नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी, एक किफायती दर पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि गंदे दूषित जल को स्वच्छ जल में तब्दील कर देगी, और इसके लिए किस आईआईटी के प्रोफेसर को एनी पुरस्कार दिया गया है। ये दिया गया है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है टी प्रदीप, जिनका आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं। इन्होंने नैनो स्केल सामग्री का उपयोग करके एक किफायती और सतत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए इनके काम के लिए इनको एनी पुरस्कार जीता है। तो किसका इस्तेमाल किया है इन्होंने, नैनो स्केल सामग्री का उपयोग किया है। उनका काम क्या होगा, पहली बार जो पानी में जहरीले प्रदूषक होते हैं उनको हटाने के लिए एक ऐसी, ठीक है, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का विकास किया है जो हर किसी को एफर्ट, कोई हर कोई भी एफर्ट कर सकता है। उन्होंने उन्नत पर्यावरण समाधान के क्षेत्र में, ठीक है, पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों इटली के राष्ट्रपति जी के द्वारा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इटली के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है थप्पली प्रदीप को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें एनी पुरस्कार की, इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिया जाता है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस पुरस्कार का, तो ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और पर्यावरण संरक्षण में क्रांतिकारी सफलता के विकास को प्रोत्साहित करना। तो इस उद्देश्य से 2007 में एनी पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो कि अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को प्रदान किया गया। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ आईआईटी से संबंधित और भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई की यात्रा पे गए थे, पहले फ्रांस गए, फिर वहां से यूनाइटेड अरब अमीरात गए, जहां पे वहां पे ये डील हुई कि आईआईटी दिल्ली जो है वो अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलेगा। कहां पे दोस्तों, तो अबू धाबी, जो की राजधानी है यूएई की। अगला है तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास तंजानिया के जंजीबार में, और आईआईटी दिल्ली जो है अबू धाबी यूएई में, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये भी इंडेक्स से रिलेटेड है, कि हाल ही में जारी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी हाल ही में जारी किया गया हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। तो भारत ने अपने 7 स्थान को इम्प्रूव करते हुए, ठीक है, पहले वो 87वें स्थान पे था, अब वो 80वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, तो हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान जो है 80 हो गया। ठीक है, पहले 87 था, अब 80 हो गया, यानी कि 7 स्थान का भारत ने क्या किया है, इम्प्रूव किया है। अब इस स्थान के साथ, ठीक है, भारत जो है, जो ये स्थान हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में मिला है, इससे देखिए भारत को कितने देशों की वीजा मुक्त यात्रा करने का अवसर मिलेगा, तो 57 गंतव्य की यात्रा करने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, वीजा मुक्त, ठीक है, बिना वीजा के भारत यात्रा कर सकता है 57 देशों की। ठीक है, ये जो इंडेक्स है
पहले अगर 2022 में देखिए भारत की रैंक कितनी थी, 87 थी। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है पासपोर्ट किसका, यानी कि वीजा मुक्त, ठीक है, पासपोर्ट लेकर के हम सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा देश है जो बहुत देशों की यात्रा कर सकता है, तो वह है सिंगापुर। पहले जापान था, जापान सिंगापुर, लेकिन जापान सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में उभरा है, जो कि हाल ही में रिपोर्ट जारी है। सिंगापुर पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट धारक जिन लोगों के पास सिंगापुर का पासपोर्ट होगा दोस्तों, वो दुनिया में लगभग 227 गंतव्य है जिसमें से वो 192 स्थानों पर वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। वहीं दूसरे स्थान पे तीन देश हैं, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, इनके द्वारा जो है साझा किया गया। और तीसरे स्थान पे दो कंट्री हैं, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड, ठीक है, ये देखिए 190 कंट्री के साथ यात्रा कर सकते हैं। दुनिया का सबसे खराब जो है, सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो वो है अफगानिस्तान का, जो कि 27 वीजा मुक्त स्कोर के साथ 103वें स्थान पे, तो 103वें स्थान पे है अफगानिस्तान, जो मात्र 27 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है और ये दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट है। वही अगर हम बात करें 102वें स्थान पे कौन सी कंट्री दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा इराक है, ठीक है, तो 29 गंतव्य के साथ, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे खराब पासपोर्ट है। यहाँ पे हम बात करें, ये जो पासपोर्ट है, ले पासपोर्ट रैंकिंग जो जारी किया जाता है, ये जो वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग जारी किया जाता है, देखिए एक प्राधिकरण है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण, इसी के द्वारा कुछ आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग जारी की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे जो है शक्तिशाली देश कौन सा है पासपोर्ट के मामले में और दुनिया का सबसे कमजोर देश कौन सा है पासपोर्ट के मामले में, ये रैंकिंग हमें बताती है। अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की दोस्तों, ये जो है इंडेक्स, इसको 2006 में लॉन्च किया गया था, सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल होते हैं। प्रत्येक पासपोर्ट को गंतव्यों की कुल संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है, जहां धारक वीजा मुक्त पहुंच सकता है, ठीक है, नीचे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने रैंक है, देखिए सबसे जो सिंगापुर जो है सबसे अधिक देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं जो सिंगापुर पासपोर्ट धारक होंगे, ठीक है, 192। तीन देश जो है जर्मनी, इटली, स्पेन तीसरे स्थान, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, 189 कंट्रीज की यात्रा कर सकते हैं जो ऑस्ट्रिया फिनलैंड के वीजा धारक और पासपोर्ट धारक होंगे वो। आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा। तो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। 29 मार्च 2023 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेवी रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। यह राशि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए CRCS को हस्तांतरित की जानी थी। 4 सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के लिए वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, वो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि चीन के सहयोग से 1200 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है, कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आमंत्रित किए दोस्तों, कहां पे, उत्तर प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना स्थापना दिवस मनाया, कौन सा दोस्तों, कब मनाया, तो 16 जुलाई को मनाया। ISSF विश्व चैंपियंस 2023 में शुभम विस्ला ने पदक जीता है, कौन सा पदक, ये स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इनका नाम क्या है, अरविंद कुमार। तो दोस्तों ये था आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके, ठीक है। तो पहला हमारा स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है कि तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है, किस तमिल ग्रंथ को दोस्तों, तो कुराल को। वही भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ क्लैमिटी कहा गया है, कौन से अकाल को, तो देखिए बहुत सारे अकाल पड़े थे, लेकिन उड़ीसा अकाल जो कि 1866 से 67 के बीच में था, ठीक है, और इसी को जो है 19वीं शताब्दी का प्रकोप ऑफ सम, ठीक है, समुद्र या फिर सी ऑफ क्लैमिटी कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित युग में जो है यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज एल। इन्होंने 1888 के जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, अब प्रयागराज है, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। ये पहले अंग्रेज जो है अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी कि पहले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी दरबार से संबंधित है, किसके दरबार से? तो मोहम्मद गजनवी के। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है क्या होता है दोस्तों? तो ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। अगला है लीव फॉरवर्ड पॉलिसी, जो कि 1958 से 1960 तक लागू थी। इस जो है लीव फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोग मरे थे, किस देश में दोस्तों? चीन में। अगला है 1986 में चेर्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई, किस देश में? यूक्रेन में। चेर्नोबिल वहां पे स्थान है जो कि हाल फिलहाल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था जब यूक्रेन पे अटैक किया गया था, यूक्रेन और रशिया के वार के दौरान। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वही 1930 के शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित थी कितनी? तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, ठीक है, शारदा अधिनियम 1930 के तहत। 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहां पे दोस्तों? गुजरात में। अगला है बंबई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी कब? 1961 में हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों के भी शेयर कर दीजिएगा, और डेली करंट अफेयर की दोस्तों पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।